तो गाइस ट्रिप जो है हमारी काफ़ी अच्छी रही, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है। कुछ प्रॉब्लम्स आई बट ऑलमोस्ट ठीक है, बहुत अच्छी रही। धूप बहुत अच्छी लगी माता जी की, और सालासर की भी धूप बहुत अच्छी लगी। मैं यही चाहती हूँ कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें। तो हम जो है काजल शिखरी के लिए निकल गए हैं, जो कि जीन माता के मंदिर में ही है। काफ़ी अच्छा जो है ऊपर मंदिर बना हुआ है। अब आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा है। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम जो है खाटू श्याम जी के मंदिर में भी गए थे, बट वो बंद था, इसलिए हम उसके पास एक शिव जी का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ था उसके अंदर गए थे धूप लगाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे विराजमान है हमारे प्यारे नंदी जी, और इसके जस्ट सामने शिव जी। आप देख सकते हैं शिवलिंग बना हुआ है बहुत ही प्यारा। इस मंदिर में भी भीड़ नहीं थी, और यहाँ पे भी आने के लिए दो चार लोगों ने मना किया था, बट फिर हमारे यहाँ पे भी जो है धूप लग गई थी। आप देख ही सकते हैं पूरा मंदिर खाली है, और ये ऊपर यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो जो है लगी हुई हैं शिव जी की। जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी पिक यहाँ पर लगाई गई हैं, और नाम भी लिखा हुआ है साथ में। बहुत प्यारा मंदिर था। तो अब जो है हम आ चुके हैं सालासर बालाजी की धूप लगाने के लिए। यहाँ पे जो है प्रॉपर मार्केट ओपन था, एक भी शॉप जो है बंद नहीं थी, जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आपको भी बालाजी के दर्शन करवाते हैं। मेरे दर्शन कर ले, ये साला सर मान लो। साथ लगा कर ले, बार लगा देंगे। अंदर से खा रहे हैं, अरे यार उसने अंदर उससे अंदर जा रहे हैं उस वाले लैंड में। चलो फिर घूमते हैं, अच्छा ठीक है, फिर यहाँ से हो जाए बढ़िया दर्शन। उठा ले आ जा। तो सालासर में धूप लगाने के बाद में अब हम आ चुके हैं अंजनी माता के मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। खुला ही है ये, तो प्रॉपर खुला ही पड़ा है ना। ये हमारे गुल्लू जी, जिनके बाल कट चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से जाके पार्ट वन को ज़रूर देखें।
यहाँ पे जो है अंदर कैमरा फोन लेके जाने नहीं दिया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो अब हम आज के अंजनी माता के मंदिर के जस्ट सामने एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे धूप लगाने के लिए आप देख सकते हैं इस मंदिर को भी। यहाँ तो लगाई नहीं, यहाँ पे शिव जी, हनुमान जी और माता जी का भी मंदिर था ये। यहाँ पे और यहाँ भस्म के लिए एक अलग से कुटिया बनाई हुई थी जहाँ पे आरती रखी जाती है, ये क्या आप हुआ? देख सकते हैं ये। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।